very, very good afternoon to everyone. Today is Sunday and the time right now is 2:07 afternoon. Well guys, it's been a long time since I last uploaded my vlog. That vlog was a Nagpur vlog, you know, when I was returning back from Nagpur. So and after that vlog I'm just making this vlog right now. So where I'm going right now, today is Sunday, so I just thought I'd better go somewhere and just make a little vlog, a small vlog. It's not gonna be a long vlog. So where I'm going right now, I just talk to you up thereafter. But before that, I'll just have a little word with you guys. Actually क्या है कि मुझे हर हफ्ते कम से कम दो तीन ब्लॉग्स तो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन यार सर्कमस्टेंसेस लोगों के अलग होते हैं, लोगों के अलग अलग डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इसी वजह से क्या है कि ना, बहुत दिन हो गए मुझे वो ब्लॉग बनाए हुए. मैं 2nd of January अभी इसी साल गया था जनवरी को नागपुर, तो बीच में पंगा भी हो गया था, आपको मैंने उसमें डिस्कस भी किया था अपने ब्लॉग में. तो जाते वक्त ये हुआ कि मतलब उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, हालांकि बहुत अच्छा व्लॉग बना था. यहाँ से जबलपुर टू नागपुर जो मैंने व्लॉग बनाया था उसकी रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी हुई थी, लेकिन उसमें एक चीज़ ये हो गई थी कि मैंने सारी सेटिंग्स की थी, घर से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी. तो उस वजह से क्या है कि ना, मैंने उसको ठीक नहीं समझा कि उसको मैं यूट्यूब में पोस्ट करूँ या व्लॉग को अपलोड करूँ वाली, यहाँ से नागपुर वाली. तो मैंने इसको डिलीट कर दिया. मैंने सिर्फ वहाँ से रिटर्न वाली जर्नी थी नागपुर टू जबलपुर, वो मैंने खाली पोस्ट की थी. उस वक्त तक जब मैं रामटेक में गया था, तब मेरे को उस वक्त जब लौटते हुए नेक्स्ट डे, एक दिन मैं पूरा रुका था नागपुर में, और उस वक्त तक पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही. लेकिन उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे रामटेक तक भी आ गया, तब भी नहीं पता था मुझे. लेकिन रामटेक में जब मैंने निकाला कैमरा हेलमेट से, तब मैंने देखा यार कि इसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, कुछ सेटिंग वेटिंग की कुछ दिक्कत है इसमें. अब वो भाई बजट कैमरा है तो इसमें हो ही जाता है, या उस बारे में आदमी क्या कर ही सकता है. तो उसके बाद मैंने लौटते हुए रिकॉर्डिंग करी थी, उसको सेट किया था माइक्रोफोन को, एक्सटर्नल वाला उसको मैंने अपडेट किया, एक्टिवेट किया, तब जाके हो पाई थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग. तो पूरा वो ट्रिप ही मेरे बेकार ही हो गई, मतलब मूड सा ख़राब हो गया था. फिर मतलब उसमें वो मज़ा नहीं रहा जो कि होना चाहिए था. Anyways, right now I'm going to one of the most important places and very interesting places in Jabalpur. It's actually a dam. The people who live in Jabalpur must have already guessed by now that which place I'm talking about. It's actually a dam, and yes, it's Bargi Dam. You know, it's actually a talk of the town. बहुत अच्छी जगह है, ऑल्दो आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस बिफोर. दिस इज टुडे आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर देयर. मैंने सोचा तो बहुत बार था कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया. तो आज मैंने सोचा कि बर्गी डैम का ही बनाते हैं, क्योंकि लंबा लंबा जाना टूर मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है. मैं फर्स्ट टाइम गया था ये एक्शन कैमरा खरीदने के बाद नागपुर, मेरी फर्स्ट राइड थी, ट्रिप थी लंबी, और वो भी कोई खास उसका एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छी जगह थी, रास्ते भर मैंने एंजॉय किया, सुबह निकला था मैं. लेकिन बस वही है जो मैंने बोला ना, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसमें, तो उस वजह से क्या मज़ा किरकिरा सा हो गया. अब कोई चीज़ आप अच्छे से बनाओ, मेहनत करके बनाओ, इतने दूर जाके प्लांट स्पेशली मैंने सोचा था कि यार बनाऊंगा तो अपलोड करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा. और जाते वक्त वाकई में बहुत अच्छा पूरा वीडियो शूट हुआ था, लेकिन जब वही बात है ना, जब उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है तो क्या मुझे मज़ा, जब मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या उसमें अच्छा लगेगा. तो मैंने यही बेटर समझा कि यार उसको हटाते हैं, और अपनी रिटर्न जर्नी जो थी नागपुर से जबलपुर वाली, उसी को करते हैं, अच्छे से पोस्ट बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं. हालांकि वो एक्सपीरियंस मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि रामटेक में गया, रामटेक में बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उस जगह की, और वो मैंने शूट किया और उसको मैंने व्लॉग में अपलोड भी किया. तो वो एक अच्छा रहा, मतलब अगर ना रामटेक नहीं गया होता मैं, तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं आता. तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एनी मोर. अभी मैं बर्गी डैम जा रहा हूँ,
तो बहुत सुना है मैंने बागी डैम के बारे में, नेट पर भी मैंने सर्च किया था। तो अभी मैं इस वक्त कहीं और तो दूर जा नहीं सकता था, तो मैंने सोचा यार शहर में ही जो अच्छी जगह है, कोई टूरिस्ट प्लेस टाइप की कोई जगह है तो वहीं चलते हैं। तो मालूम तो था ही मुझे इसके बारे में, तो बस अभी वहीं जा रहे हैं। तो पहुंचते हैं वहां पे और देखते हैं कैसी जगह है, और आपको भी दिखाते हैं कैसी जगह है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि कोई यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक हो नहीं रहा है, तो मोटिवेशन वैसे मेरा मिल नहीं पा रहा है ना। सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छे से बढ़ते रहते हैं यार, लोग लाइक करते रहते हैं वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर क्या ना मोटिवेशन मिलता है आदमी को, क्योंकि अपना अब मोटो ब्लॉगिंग तो इसी सब चीज़ पे बेस्ड है। सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, लोग लाइक करेंगे तो अंदर से क्या है ना इच्छा शक्ति, विल पावर और जनरेट होती है, प्रबल होती है, मोटिवेशन मिलता है। तो क्या इस बारे में बाद में बात करूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अभी मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी भराना है। तो संडे मतलब वो ट्यूसडे था जब मैं गया था यहाँ से नागपुर, और 2 तारीख थी, 2 जनवरी थी, और उसके बाद से आज मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम जो है कि जो डेली लाइफ है अपनी, डेली रूटीन है, उस वजह से टाइम मिलता नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे या मतलब जल्दी जल्दी है ना व्लॉग्स वगैरह शूट करूँ, बनाऊँ और अपलोड करूँ। तो अपने को टाइम वगैरह बहुत कम मिलता है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको कि आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं उनके, तो लोगों ने क्या है अपनी जॉब वगैरह छोड़ के इसको फुल टाइम अपना ऑक्यूपेशन, अपना पर्पस बना लिया है। तो अपना तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। तो अभी तो मुझे मेरे ख्याल से ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा, पर अपना जो काम है, अपना जो फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, वो अपना काम करते रहना है बिना फल की चिंता किए हुए। तो अभी तो अपना वही चल रहा है, जैसे कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तुम कर्म करते जाओ, तुम्हारा कर्म जिस तरह का होगा आज उस हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा, और आप अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। बस अपना इसी पे चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे तो आदमी का काम करने में मन भी करता है। और क्योंकि आदमी क्या है ना, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, और अपना छोटे मोटे अपने मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो इतना बहुत एक्सपेंस करना, इतना उसमें इन्वेस्ट करके जाना, उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट ना मिले और मोटिवेशन ना मिले, तो फिर अपना मोटिवेशन तो सिर्फ आप लोग हो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार है ना अपनी रोना रो रहा है, अपनी मजबूरी बता रहा है, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए सिंपैथी वहाँ दी जाती है जो आदमी बाहर का हो, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो आप लोग एक फैमिली है, फैमिली। और फैमिली से अगर अपनी एक फैमिली मेम्बर अपने मन की बात नहीं कहेगा, अपनी मजबूरी, अपने मन की, अपने हालात को शेयर नहीं करेगा, तो फिर किस बात की फैमिली। तो मुझे कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है कि मैं आपसे सिंपैथी गेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप घर में अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, रिलेटिव से आदमी तो बात करता ही है ना, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, प्रॉब्लम है तो अभी आप अपन भी आपसे शेयर कर रहे हैं बाबा, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे चैनल को। मैं मानता हूँ कि मेरा जो ब्लॉग्स वगैरह हैं, वीडियोज़ वगैरह जो मैं अपलोड करता हूँ, इतना ज़्यादा मतलब उसमें टेक्निकली इतना साउंड नहीं है, अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ। अभी क्या है, मेरे पास सिर्फ एक कैमरा है, एक्शन कैमरा, जो कि बजट एक्शन कैमरा है। अभी मेरे पास 2-3 कैमरे तो है नहीं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके आधे आधे घंटे में वो वीडियो अपलोड करने के 5-10 मिनट में ही हज़ारों व्यूज़ मिल जाते हैं उनको। अभी वो भाई उनके पास क्या है, बहुत पैसे हैं उनके पास, 2-2, 3-3 Insta360 है, GoPros हैं उनके पास, 2-2 iPhone है। तो क्या मेरे पास अभी ये सब फैसिलिटी है नहीं। आगे आने वाले समय में आप लोगों को सपोर्ट रहा तो बिल्कुल अपने पास भी होगा, तो अच्छे से बनाएंगे। फिर भी अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ पूरी। और अगर आप लोगों को मेरे को कमी लग रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मुझे जस्ट डू लेट मी नो कि मुझे और क्या अमेंडमेंट्स करने चाहिए, इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि मेरे वीडियोस में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, आप कमियों भी बताओ, अच्छाइयां भी बताओ कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लग रहा है, क्योंकि उससे आदमी सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों ये बात है, अभी अपनी हाईनेस चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है अपनी हाईनेस, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल रिफाइंड चल रही है इस समय।
बहुत जल्दी अपना मैं एक व्लॉग बनाऊंगा अपने हाइनेस के ऊपर। बस मेरे हाइनेस को 2 साल होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर अपना अभी तक का एक्सपीरियंस जो है मेरा, अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा अपना हाइनेस के ऊपर, हाइनेस को यूज़ करते हुए, तो उसमें क्या मुझे अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। यार सब कुछ अच्छा ही लगा, काफ़ी स्मूथ और बहुत रिफाइंड इंजन है इसका, आज तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई आज तक, और भगवान की कृपा से आगे भी नहीं होगी। तो अभी तक इसने मुझे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने बाइक से, तो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा उसके बारे में, तो जब भी जितना भी लंबा ब्लॉग होगा उसमें मैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करूंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं भरगी डैम 44 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर, अभी 44 मिनट्स बता रहा है, 34 किलोमीटर है यहाँ से, और मैंने गूगल मैप में सेट कर दिया है अपनी डेस्टिनेशन, और गूगल चाचा गूगल मामा या गूगल अंकल कह लीजिए, बस उनकी धुम पकड़ के उनको फॉलो करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भरगी डैम, तो मुझे भी पता नहीं है, बिना गूगल मैप के तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जाना, तो बस अभी चल रहा हूँ फॉलो करता हुआ। मेरे ख्याल सीधे रोड पर है, कहीं आगे जा कर के 20-30 ज़्यादा कितना बता रहा है इसमें 33 किलोमीटर्स, वही 30-30 किलोमीटर की, मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर तो मुझे रोड पे चलना पड़ेगा, उसके बाद कहीं टर्न होना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से 12-14 किलोमीटर अंदर कहीं जाना पड़ेगा, तो देखते हैं कहाँ पे है कहाँ पे जाना पड़ेगा अभी, और नाम तो बहुत सुना है मैंने, चलता हूँ देखता हूँ कैसा है, और आपको भी शेयर करता हूँ आपसे भी कि कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताना मुझे कि कैसा है डैम। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा मेरे ख्याल से, जबलपुर में जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सभी घूम कर आए होंगे वहाँ पे, उन्होंने देखा होगा विटनेस किया होगा वहाँ का सीन वगैरह कैसा है। तो ये चल रहा है अपना, तो फ्रेंड्स अभी मेरे को चाय भी पीना है, सुबह से मैंने चाय पी है, एक्चुअली क्या है ना मेरा बीच में पेट, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था मेरे ख्याल से, मैंने शेयर किया था नागपुर से लौटते हुए मेरा क्या है ना पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मरोड़ सा उठ रहा था, और ठंड भी लग गई थी मुझे, तो उस वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं चाय वगैरह मैंने अवॉइड कर रखा था इधर 8-10 दिन से, मैं चाय वगैरह नहीं पी रहा हूँ तो सिर्फ ग्रीन टी। अगर आपको कभी भी ठंड वंड लग जाए या पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो कभी ये दूध वाली जो चाय की पत्ती, ये जो ब्लैक टी वाली जो चाय होती है ना, ये नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट में और पेट और ख़राब हो जाएगा, मतलब कभी ठीक नहीं होगा उससे। तो आप बिल्कुल, अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है पेट की सिर्फ ठंड लगने की वजह से नहीं, अगर किसी भी वजह से आपके पेट में प्रॉब्लम है तो आप चाय को अवॉइड करो, और इसमें क्या है ना ग्रीन टी बहुत बेनिफिशियल होती है, तो मैंने ग्रीन टी इस समय इस बीच में पी रहा था और उससे मेरे को बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आई एम फुली रिकवर्ड नाउ, और मुझे ठंड वंड भी लग गई थी, और ठंड वंड भी मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, काढ़ा वाढ़ा पिया, उस ठंड भी चली गई है। तो और वैसे अभी 2-3 दिन पहले बहुत ठंड थी जबलपुर में, अब तो वैसे काफ़ी कम ठंड है, आज धूप भी निकली हुई है काफ़ी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड है और थोड़ी थोड़ी गर्मी, मतलब गर्मी क्या सूरज की रोशनी से जो थोड़ा थोड़ा सौंधा का मौसम हो रहा है एकदम, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और अभी तो खाली आज 14 तारीख है, 14th of January, और अभी तो ठंड पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यूपी में तो बहुत ठंड पड़ रही है। यूपी में बहुत ठंड है, जयपुर में बहुत ठंड पड़ रही है, अपना जबलपुर में एमपी में तो वैसे भी मेरे ख्याल से कम ठंड पड़ती है, मैं ज़्यादा तो रहा नहीं एमपी में, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि ठंड पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, नहीं तो एकदम नॉर्मल पड़ती है। अब ये इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र का बॉर्डर है, नागपुर है, यहाँ से 245 किलोमीटर हो सकता है, उस वजह से भी यहाँ पे कम ठंड पड़ती हो, लेकिन अभी हाल में 10-15 दिन तो बहुत कड़ाके की ठंड थी, इसमें मुझे काफ़ी ठंड वंड लग गई थी ऑफिस से लौटते हुए। अब बचा है 31 किलोमीटर, 31 more kilometers to go, और अभी बीच में चाय भी पियेंगे, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ज़रूर दिख रहा है, पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं भाई। नागपुर यहीं से इसी रोड से मैं गया था, यही है पूरा नागपुर हाईवे, अब इसको हाईवे नंबर क्या है मुझे इतना ही पता, लेकिन यहीं से नागपुर में गया था पूरा, बॉम्बे महाराष्ट्र का पूरा यही रोड है, यहीं से हो गए महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र जाता है इंसान, मतलब हम लोग जाते हैं। तो अभी अपन चल रहा है थर्ड गियर पे, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, फोर्थ गियर पे मैंने शिफ्ट किया और थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखते हैं।
गया, भीड़ लग के लगी हुई है, भंडारा हो रहा है, कोई भंडारा कर रहा है और प्रसाद वगैरह खाने के लिए रुके हुए हैं। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ इस वक्त। आज बहुत दिन बाद वॉकिंग करने का मौका मिल रहा है दोस्तों, तो फिर से मज़ा आ रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में निकलूंगा लेकिन निकल नहीं पाया, आज मॉर्निंग में कुछ काम था घर पे, तो इस वजह से मैंने सोचा। अभी मैंने खाना वाना भी खा लिया, मैंने ज़्यादा हैवी मैंने लंच तो नहीं किया, और लंच करने के बाद मैंने यार बिल्कुल मैंने इसके पहले लंच करने के पहले मैंने पूरा माइंड मेकअप किया हुआ था कि आज जाना है मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने लंच किया ना दोस्तों, ऐसा ही होता है, आप खाना वाना खा लेते हो ना, फिर अचानक से जो आपके अंदर से जो अर्ज होती है ना, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड कहता है यार कि नहीं खाना वाना खा लिया, अब रहने दो, छोड़ो, टालो, फिर कभी चलेंगे। तो मैं खाना खाने के बाद भी मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, मैंने एक बार मम्मी से बोल दिया कि नहीं जा रहे हैं फिर कभी जाएंगे, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार कि ये सब गलत चीज़ें हैं, जाना है तो भाई जाना है, चाहे खाना खा लो चाहे कुछ कर लो। तो फिर मैंने फिर माइंड को सेट किया, जस्ट मेरा माइंड नो आज जाना ही है, आई गॉट टू गो एट एनी कॉस्ट। तो मैं तैयार वैयार हुआ, कैमरा वगैरह मैंने सेट किया और मैं निकल गया। तो दोस्तों सामने पहाड़ वगैरह दिखने लगा है और ये पुल, इसके नीचे नर्मदा माता मतलब नर्मदा नदी नीचे से बहती हैं, काफ़ी अच्छा व्यू रहता है यहाँ से। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है, लोग खड़े भी हैं। और रुक जाना ओ जाना मुझसे दो बातें करके चले जाना कि मौसम है दीवाना, रुक 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 रुक। कौशल ट्रेवल्स, और दोस्तों सब्सक्राइब करो भाइयों, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि मैं भी भैया और यूट्यूबर्स की तरह अपने यार चैनल को ग्रो कर सकूं, अपना चैनल भी इस्टेब्लिश हो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ, मेरा सपना है। हालांकि ट्रैवलिंग इज़ माय पैशन, चाहे यूट्यूब पे मेरा चैनल चले ना चले, चाहे मुझे चैनल बंद भी करना पड़े, हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ होता है, हालांकि मुझे पता है ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, भगवान ऐसा होने नहीं देंगे और आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि मुझे यूट्यूब चैनल बंद करना पड़े। लेकिन एक संभावना बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी होता है तब भी मैं अपनी ट्रैवलिंग जारी रखूंगा, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ माय पैशन और राइडिंग इज़ माय पैशन। मैं बाइक चलाता पहले भी रहता था, बिना जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था उसके पहले भी मैं जाता था यहाँ से जबलपुर से लखनऊ से जबलपुर मैं बाइक पर जाता था। तो अपना तो भैया पैशन है, वो तब भी जारी रहेगा, लेकिन भैया अपने को तो भैया यूट्यूब चैनल को अपने ग्रो कराना है, अपने को तो इस पर ही काम करना है, क्योंकि ये मेरे मन मुताबिक काम है, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पैशन है। और अपने जो पैशन होता है आदमी, अगर आदमी का पैशन होता है ना, अगर आदमी जी जान से उसको पूरा करने में जुट सकता है तो वो पैशन हमेशा पूरा होता है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो ना आदमी की पूरी ना हो सके, बस उसके अंदर वो कमिटमेंट होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे, बिकॉज फेथ हैज़ वास्ट एंड एंड्यूरिंग सोर्स ऑफ एश्योरेंस। Once you truly believe in yourself, you generate a force and that force drives you towards the successful attainment of your goal in your life. Yeah, because faith is everything. Faith can do miracle even in a moment. Oh, भैया faith ही सब कुछ है, विश्वास ही सब कुछ है, अपने पे विश्वास रखना चाहिए आदमी को हमेशा। अगर आदमी अपने पे विश्वास रखेगा तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस संसार में जो इंसान अचीव ना कर सके, फुलफिल ना कर सके। भैया फेथ रखो अपने पे, और अपने पे फेथ रखो, उससे ज़्यादा भगवान पे फेथ रखो, क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे, फेथ रखोगे, तो फिर इसका मतलब आप भगवान पे विश्वास रख रहे हो। आप खुद पे विश्वास रखोगे तो भगवान आपसे खुश रहेगा, और भगवान आपकी सारी मनोकामना और सारे एफर्ट्स, सारी जो आप चैलेंजेस हैं सब आपका साथ देगा, सारे चैलेंजेस पूरे कराएगा, और आपके कर्म का फल भगवान पॉजिटिव वे में देगा।
तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी कमिटेड टू वर्स योर वर्क, ऑलवेज बी परसिवरेंस, ऑलवेज बी परसिवियर टू वर्स योर गोल, टू वर्स योर वर्क, और जो भी करो पूरे मन से करो, पूरे कमिटमेंट से करो, तब जाकर आदमी जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। टू वॉट एवर यू डू, डू विथ फुल ऑफ कमिटमेंट एंड फेथ, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। तो भैया इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू से नहीं हो सकता, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मान रहा हूँ अभी मैं मेहनत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है ना। मैं व्लॉग्स तो बना सकता हूँ हफ्ते में, कम से कम मुझे बनाना चाहिए किसी भी कीमत पे, मुझे कम से कम 7 दिनों के अंदर मुझे चार तो किसी भी कम से कम हालत में बनानी चाहिए। अब मैंने 12-13 दिन पहले एक ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैं आज बना रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन भाई क्या करें कि सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सर्कमस्टेंसेस डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर आदमी के अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। मेरी कुछ मुझे भी कुछ पता नहीं है के बारे में। ये तो है आप, ये चार्टर्ड है ना, ये आपका चार्टर्ड, ये जो स्टीमर्स वगैरह है, हाँ कहाँ से ले सकते हैं? अभी मैं आ रहा था तो नीचे ही था उसका, तो अब वो जो रिजॉर्ट है क्या कोई? हाँ रिजॉर्ट भी है नीचे। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं तो यही रहता हूँ, मैं जयपुर से एक्चुअली। मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो? अभी स्टार्ट किया मैंने इसी महीने। मैंने कहा जब लंबा लंबा जाते हैं तो क्यों ना एक चैनल ही स्टार्ट कर लें अपना। मैं एक्चुअली यहाँ से अभी नागपुर गया था 2 जनवरी को। अच्छा। फिर वहाँ से लौटते मैंने रामटेक है, सुना होगा नाम आपने, रामटेक गया था। फिर नागपुर से मेरा एक फ्रेंड रहते हैं वहाँ पे, तो उनके यहाँ उन्होंने होस्ट किया था मेरे को, उन्हें स्टे किया था। फिर 1-2 दिन रुके थे, फिर लौट आए। उसके बाद मैं लखनऊ यहीं से जाता हूँ एक्चुअली, लखनऊ में भी हाँ बाइक से जाता हूँ। यार तू बता, 200 किलोमीटर जाने में लगता है वेंचर? ये हो गई 23,000 किलोमीटर। मेरी एक महीने की हुई है, 180 किलोमीटर चलाई इसने। घर चला गया था यार, नहीं तो हो जाती। सर्विसिंग हो गई आपकी फर्स्ट सेकंड जो भी? मेरी तो फर्स्ट हो गई है। अच्छा, सड़क को चीरती हुई अपने डेस्टिनेशन के ओर। हाँ यार एक चाय पीनी है, चाय पी के आपको दिखाऊंगा चाय कैसी लग रही है, कैसी बनी है, पीते हुए भी दिखाऊंगा। भैया भैंसे आ गई, गौर 8 किलोमीटर। टेक द लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, सॉरी नॉट लेफ्ट राइट। ये छोटा सा क्या है, ये नहर टाइप की, कोई अच्छी सी दुकान दिखे चाय की तो वहाँ पे चाय पीते हैं। यार चाय में मैं चीनी अवॉइड करता हूँ क्योंकि चीनी ना बहुत स्लो पॉइजन की तरह होता है। चीनी कभी भी आदमी को, चीनी में ऐसे कोई पोषक तत्व नहीं होता, चीनी में बस एक स्वाद होता है बस, उसमें कुछ नहीं होता, ना विटामिन होता है, ना कैल्शियम होता है, ना कुछ होता है, ना मिनरल होता है, कुछ नहीं होता। सिर्फ चीनी में सिर्फ एक स्लो पॉइजन है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक, बहुत घातक है, काफ़ी डेंजरस है। तो चीनी की जगह आप अगर कुछ सब्स्टिट्यूट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो गुड़, गुड़ सबसे बढ़िया है, गुड़ से फ़ायदा भी, हेल्थ बेनिफिट्स भी है उसके, और वो हानिकारक भी नहीं है, हार्मफुल भी नहीं है। गुड़ है, या फिर आप मिश्री ले सकते हो वो धागे वाली, तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। लेकिन चीनी जो है ना, ये क्रिस्टल, ये वाइट शुगर होती है, तो बहुत ख़तरनाक होती है आदमी की हेल्थ के लिए। और शुगर लोग इसके सिवा सब चीज़ में शुगर फ्री लेते हैं जो कि वो भी सेफ़ नहीं है। ये शुगर फ्री में जो स्टीविया पौधे का आता है ना, शुगर फ्री स्टीविया एक नेचुरल एक प्लांट होता है, नेचुरल स्वीटनर होता है उसमें। तो आप स्टीविया का शुगर फ्री लो, स्टीविया पौधे से बना हुआ, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब शुगर फ्री लेते हो ना नेचुरा वगैरह, उसमें शुगर फ्री गोल्ड और नेचुरा, ये सब तो मतलब बहुत वो, उसमें भी काफ़ी नुकसान है लेने में। तो हम लोग तो भैया वही लेते हैं, स्टीविया शुगर फ्री का, स्टीविया पौधे से जो बना शुगर फ्री होता है, स्वीटनर होता है। तो
वाइट हर चीज हार्मफुल होती है, जैसे वाइट शुगर और जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, वाइट वाला जो फाइन जो सॉल्ट होता है आयोडाइज वाला, ये बहुत ख़तरनाक है। मैदा जिसको कि रिफाइंड फ्लोर कहते हैं, रिफाइंड वीट फ्लोर कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होता है आदमी के लिए। नहीं, इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं, उनको पता नहीं है, लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है अपने इंडिया में। धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो नूडल्स वगैरह खाने में मैगी वगैरह बहुत शान की बात समझते हैं, लेकिन वो पता नहीं उनको कि उसमें कितना हार्मफुल होता है वो। क्योंकि पहले तो मैगी जो होती है वो नूडल्स की और जो चाउमीन वगैरह होता है सब मैदे का बना होता है। मैदे का बना सारे प्रोडक्ट आदमी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो जाके आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या है ना, फिर आदमी का बहुत सारी हेल्थ हैजार्ड्स शुरू हो जाते हैं, आदमी को शुगर होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उससे, हाई बीपी, शुगर और बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो भैया अपने मैदे वैदे से बचना चाहिए सबको। आजकल तो मोटे जो अनाज होता है ना, जैसे वो हो गया आपका बजरी वगैरह, फ्लैक्स सीड, बजरी, चना, ये सब पिसवा के आपको आदमी खाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके। तो वन शुड ऑलवेज अवॉइड शुगर, रिफाइंड वीट फ्लोर, आयोडाइज शुगर, आयोडाइज सॉल्ट, और नमक की जगह आपको वो खाना चाहिए सफ़ेद नमक की जगह, आयोडाइज नमक की जगह आपको सेंधा नमक खाना चाहिए, रॉक सॉल्ट खाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें खानी चाहिए आदमी को। तो ये सब चीज़ें हैं आदमी को, छोटी छोटी चीज़ें अगर आदमी ध्यान में रखे तो कभी लेने के देने ना पड़े किसी को। तो चलो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ पे हॉल्ट करता हूँ, चाय की दुकान पे मिलते हैं आपसे किसी। चलो भैया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, रात हो गई, बिकम्स डार्क नाउ। हाँ, वहाँ से पहुँचते रात हो गई। एक्चुअली गया था ना, रास्ते में मुझे कुछ काम पड़ गया था, कुछ मिल गया था, कोई लोग कुछ लोग मिल गए थे, तो उनके साथ थोड़ा सा बातें होने लगी, तो आधे एक घंटे वही लग गए। So as I told you that that I need to have a cup of tea. So bus ghar pahunchne wale hain. I'm about to reach home. Aur uske pehle ki bhaiya mujhe chai peeni thi, chai maine pee nahi. Kyunki mujhe chai akeli peeni thi, chai unhone offer kiya tha jisse main raaste mein mila tha, lekin maine bhaiya bol diya nahi ki wo main chai, maine chai band kar di. Lekin bhaiya mujhe chai peeni hi peeni hai, so let's go and just have a cup of tea. तो चलते हैं शॉप पे और चाय पीते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। लेकिन अभी तो थोड़ा टाइम बाकी है चाय के लिए, थोड़ी आपसे बातें हो जाएं थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं। ठंड सी हो गई एकदम अचानक। अभी मैंने रास्ते में बात की, वो लोग बोल रहे थे यार अब यहाँ पे कल संक्रांति है, मकर संक्रांति की खिचड़ी जिसको कहते हैं, तो उसके बाद एकदम ठंड एकदम ख़त्म हो जाएगी। अरे ये सुन के तो बहुत अजीब सा लगा, ठंड ख़त्म हो जाएगी। ये तो ठीक नहीं है। अबे कहाँ गई चाय की दुकान? चलो जिस चुका जिस दुकान पे मैं चाय पीता हूँ वो दुकान तो शायद बंद है, चलते हैं कहीं और पीते हैं चाय, क्योंकि शाम हो रही है, ठंड भी बढ़ गई है थोड़ी। चाय पीना तो बनता है बाबा, चाय पीना तो बनता ही है।
बजरंगबली का मंदिर, जय बजरंगबली मुझे दिया। तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मुझे पता नहीं वो बरगी डैम का कैसा लगा, मतलब अभी जाके मैं एडिट वगैरह करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में वीडियो बना कैसा, तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा। चलो, एक चाय की दुकान है, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, हमेशा की चाय खाली बिकती है, दिन में 5-6 हज़ार रुपये की तो चाय की बिक्री है, तो उसी के यहाँ चलते हैं। और तो कोई शॉप अभी मुझे दिख नहीं रही है, इसी के यहाँ पी लेते हैं। चाय अच्छी भी होती है, इसकी टेस्टी होती है, बस ये टोकन लेना पड़ता है। तो भैया पहले पेमेंट करेंगे तो टोकन देगा तो उसके बाद चाय वाले को दिखाएंगे जो चाय डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर वो चाय देगा। तो चलो ऐसा ही कर लेते हैं। ये है वो शॉप पहना, ये लगा दी मैंने गाड़ी, करते हैं लॉक, निकालते हैं फोन, लेते हैं फोन से पे करके टोकन। देख रहे हो ये शॉप है, यहाँ चाय बहुत बिकती है, जब भी आओगे ना सुबह से शुरू हो जाता है, सिर्फ चाय चाहिए यहाँ पे, जो वो है ना बिक्री वही हो जाती है कम से कम 5-6 हज़ार की, मैंने पूछा था एक बार। दस रुपए की चाय है, फिर वो करते हैं पेमेंट। चलो जाओ, चले जाओ 10 रुपए। अरे यार ये गलत कर दिया मैंने यार, भैया अब कैमरा है ये भैया, अपना चैनल है ना यूट्यूब का। 10 हो गए, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी मैं आपके बारे में, क्या शॉप का नाम क्या है? मुन्ना होटल। अभी मैं इसमें आपके नंबर बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ले लेख। हाँ चल रहा है। क्या देना चाहे यार। तो इस होटल का नाम है मुन्ना होटल, काफी फेमस है और काफी। तो ये आ गई अपनी चाय, तो पीते हैं चाय। तो दोस्तों वो कह रहा था जो वेंडर है, शॉपकीपर ओनर, बहुत क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था। तो इस होटल का नाम है मुन्ना होटल, काफ़ी फेमस है, ये कटंगी बाईपास के पहले पड़ता है, काफ़ी मतलब नाम है इस होटल का। जैसे कि मैंने बताया ना, चाय काफ़ी इसकी 5-6 हज़ार की बिक जाती है रोज। अगर आप जबलपुर कभी आओ, और अगर आप जबलपुर के हो तो शायद आपको पता होगा, लेकिन अगर आप जबलपुर आते हो तो ये मुन्ना होटल ज़रूर आना, इसकी चाय काफ़ी टेस्टी होती है, और मैं तो पीता हूँ अक्सर आके यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसकी चाय काफ़ी टेस्टी है। तो चाय को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को एंड करता हूँ इधर, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ हाईली रिक्वायर्ड, एंड डू नॉट मिस टू हिट द bell icon so that all my latest videos you can get all the notifications related to my latest videos. So with this I stop my video, I end up this video, and milte hain bahut jaldi aapse ek naye video ke sath. Tab tak ke liye good night, take care and have a nice time ahead. Goodbye and good night.